आप लोग कैसे बनाते हो? मैं तो बनवाती हूँ ऐसे आईज। देखिए डिजाइन बहुत सुंदर डिजाइन है, ये अलग फेवरेट चीज बन रहा है। मतलब मैं बना रही मशरूम, मेरा मटर मशरूम। तो ये मेरा हो गया सुबह का। ये गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो आज बन रहा है मूली का पराठा। शगुन बना रही है मूली का पराठा। आज क्यों मूली का पराठा? मैं तो भूल गई थी कि मूली जहाँ घुसाया पूरा घर वैसा लगा कि बस किसने। अब ओरिजिनल वाला सब थोड़े रहता है ना, वैसे गया। मैं ये गए हुए थे बाथरूम, तो मैं बोल रही की आप ना फ्लश कीजिए, फिर याद आई आप मूली के सारा मुझे नहीं है। सुबह सुबह उठ करके मैंने मूली घिसा है। मैं पूछा इससे कि मूली का पराठा बना रही हो, तो हाँ डैडी घिस दीजिए। मैं घिसा, घिस करके उसके बाद गया जा करके अपना हेयर कटिंग करवाया। आप लोग कैसे बनाते हो? मैं तो बनवाती हूँ ऐसे ही। मूली है, इसमें थोड़ा सा अमचूर, अदरक और मिर्ची और धनिया पत्ती, अजवाइन भी डालूंगी। अजवाइन प्रिपेयर कर सब डाल के बनता है। वैसे ठंड में ना सुबह सुबह ये ज्यादा भरवा ही अच्छा लगता है, लेकिन रेट फिट जाती है। कल पाव भाजी खा के हालत खराब हो गई है मेरी। छोले कुलचे कैंसिल। कल पूछा था कौन सी सब्जी थी, पत्ता गोभी कारण तो नहीं हुआ? पत्ता गोभी कारण नहीं, नहीं नहीं कुछ तो था नहीं। उसका मसाला ज्यादा स्पाइसी होता है और ऊपर से ब्रेड के साथ में इतना स्पाइसी नहीं था मसाला, लेकिन फिर भी कुछ था जिसकी वजह जो भी है आई डोंट नो कि क्या था उसमें और क्यों ऐसा हुआ। नहीं कल मुझे भी ऐसा लगा, एकदम लगे कि एकदम पूरा मुंह में आ गया। पाव भाजी थोड़ा सा लिमिट से ज्यादा हो जाता है। और ये दरवाजा बंद है, ये दरवाजा बंद है कि इसमें सोया हुआ है बंदा। अमित आके सोए हुए हैं। ये दरवाजा अभी शगुन कर रहे हैं, रिद्धि सोई हुई। ये दरवाजा एडिटिंग रूम का है। मेरे यहाँ सारे दरवाजे बंद पड़े, हम लोग का दरवाजा ये है। हम लोग का सारे दरवाजे अब खुल गए हैं। ऐसी बात कर लेना मकान मालिक से। अच्छा ठीक है। अरे बाप रे बाप, ये कौन ला के दिया है भाई? बप्पा इतना सामान ला के दिया, कौन दिया इतना? बप्पा को किशुआ ले लो, किशुआ ले लो बप्पा को। अभी अभी सो के उठी है, रात भर परेशान। बाप रे इतना रफल, क्या बोलते है रफल, रेफर रफल, वेफर वेफर। हाँ वेफर है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी। सिन्हा जी को बहुत अच्छा लगता है। नहीं अब छोड़ो, लाओ नहीं। अच्छा वो उसमें से निकाल लिए थे इसके लिए, बहुत तेज। लो कोई नहीं, बाल कटवाने में नहीं अच्छा। अच्छा ये को तुम ले लो भाई, देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा है। ना वो का नहीं देंगे, नहीं दे दी एक, ना कहो गनीमत कहो कि एक दे दी। एगो बाबा का है, इतने सारे आए बाबू के लिए। आज मम्मा कुछ नहीं, बाबा इतने सारे आए, कितना खुश हो रही है। सी डी बोलो, डी ई एफ जी 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 ओ नहीं जी क्या है? पापा दिया पापा मम्मी। जय श्री राम। ये बिग बास्केट से आया भाई, क्या सीक्रेट सेंटा गिफ्ट करके हमें, क्या मतलब है हमें खाने का? मैंने मैं इतना 10-15 हजार का मंगाती हूँ, इसने तो देखा दही है भाई। ये यही वाला बिस्किट दे के तेरी मम्मी हमको पोटी थी। हाँ तो क्या है, क्या है? केक, केक है, लोटो पटाई थी, लोढ़ा क्या कौन सा लोटो चौक, लोको चौकोबार देके, लोको चौकोबार लोटो चौकोबार देके हमको पटाई थी। ये क्या दुकान लगा करके बैठी हुई है मैडम आप? सफाई अभियान चल रहा है। काम वाली को कितना बार बोल चुकी हूँ, एक बार भी नहीं, मैंने दरवाजा खोल के देखना तक नहीं होता है उसको कि हाँ गंदा है कि क्या है। तो भैया अब छोड़ना है घर तो साफ कर दें पूरा पूरा। नहीं चाहिए साफ सफाई, वैसे भी नहीं छोड़ना हो तब भी करना चाहिए। नहीं बहुत उधर तक है, बीजी के कारण हम थोड़ा सा लगे रहते थे, लेकिन अब रिधि थोड़ा सा छोड़ देती है हमें। तो चल भैया अपना चूल्हा चौका संभाले, बहुत ये सब तो पहले का है, पानी का दाग सब था पहले का, लेकिन सब छूट गया। पूरा साबुन लगा लगा करके नहला रही हो इसमें, ये ऐसे थोड़े करेगी सब काम। बोलती है टका देते हैं, टका टका। हमने टका ठीक है टका, लेकिन जो हम देते हैं सामान सबसे वो पका है, उसको टका चाहिए। सॉल बिना एकदम ये हो रही थी, शगुन के देह पर से उतार के सॉल में दे दी। शगुन देखी तो बोली माई तो मैं ओढ़ती थी। उन्हें कोई बात नहीं बेटा, दूसरा खाता है।
मैं इतना काम की हूँ लेकिन कोई भी वीडियो नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट किया हुआ तो रहता नहीं है। मैं पूरा सब सफाई की हूँ, ये पूरा सफाई की देखिए, पूरा सफाई करके पूरा लगा दी इधर, और पहले पानी चूता था ना तो इसलिए खराब हो गया था, और फिर गमले को धूप देने के लिए मैं यहाँ गमला लगा दी, फिर यहाँ पर थोड़ा सा धूप लग जाए गमला में, तो गुलाब का यहाँ पे रखे हैं, बाद में देखेंगे कैसे क्या करना है। और बाकी चीज मैं अभी जा रही हूँ, कल रात इतना पाव भाजी का एकदम मन एयर हो रहा है तो नहीं खाई हूँ खाना, लेकिन जा रही हूँ दीदी से मिलने। बाबू जा रही है घूमने अपने पापा के साथ। मेरा बच्चा नहीं था भाई, मेरा बच्चा नहीं था, दोनों बच्चे इतने जीता कि ये है मैडम जी। वेरी स्मार्ट, वेरी फास्ट, वेरी द नोज, नोज इज नोज, वेरी द माउथ, माउथ गुड, वेरी द टीथ, टीथ, वेरी द आईज, आईज गुड, ए ए ए बोल, अरे चलो चलो जय जय करो अंकल को, जय जय, चलो ईशा की करी जाओ इधर से, चलो उधर से नहीं, तू तू इधर से ले जाते है ना, थ्री जंप, अरे ये क्यों पहना है बेटा, ये इसे कंफर्टेबल नहीं रहता है इसको। आज मेरा फेवरेट 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 चीज बन रहा है, मतलब मैं बना रही मशरूम, मशरूम मटर मशरूम बना रही हूँ, क्योंकि मशरूम मसाला बनाने का मेरा बहुत मन था, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली साइड में पड़ रहा था, तो हम लोग ज्यादा लोग हैं तो मैं सोचा अगली बार के लिए प्लान करके मशरूम मसाला बनाऊंगी, मतलब बटर मशरूम। आज बना रही हूँ मटर मशरूम, मटर मशरूम एंड बटर मशरूम। मटर से फुर्सत नहीं, कल का बना है मटर, परसों का बना था मटर, क्या बनेगा मटर, मटर, मटर। इसके लिए चार पांच प्याज ले ली हूँ, इसको मैं काटूंगी जैसे नॉर्मल सब्जी बनती है वैसे ही बनती है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं, हाँ बस तबीयत से बनाओ, अच्छे से बनाओ तो बहुत ही अच्छा बनता है, थोड़ा सा ग्रेवी नहीं रहता, थोड़ा सा लटपट लटपट सा रहता है, जैसे आप मटर की सब्जी बनाते हैं जाड़े में, आलू मटर गोभी मटर, मटर आलू गोभी, मटर 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 वैसे ही बनता है, सेम टू सेम, जस्ट थोड़ा सा मसाला अलग तरीके का भी नहीं होता लेकिन अच्छे से फ्राई करते, आप आलू की सब्जी बनाते हो पनीर की सब्जी बनाते हो ना तो पनीर की सब्जी थोड़ा ज्यादा मसाला बनाते हो, वैसे ही मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पे पांच प्याज ले लिया जो मैं काटने वाली हूँ, ये काटने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लग जाता है, और ये मैं मशरूम को मैंने कट कर लिया, कुछ बड़े मशरूम थे कुछ छोटे मशरूम थे, तो बड़े मशरूम को फोर मतलब चार चार फाक में मैंने काट लिया, इसको ज्यादा नहीं उबालूंगी, इसमें थोड़े से किरकिर से थे, पहले इसको गर्म पानी से मैं साफ कर रही हूँ, और फिर एक दो पानी से और धो लूंगी, जब सब्जी बनाऊंगी तो इसे फ्राई वाई जो भी फ्राई नहीं करते मटर के साथ ही सॉटे करूंगी। मशरूम मुझे इतना पसंद, बोन पे मशरूम मुझे इतना पसंद है कि बाबी कनेक्शन में जाती हूँ तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, अंडे का कुछ वो मिलता नहीं, मैं अंडा ही खाती हूँ, तो वो ऐसे स्टार्टर पे देते नहीं है, पनीर मुझे पसंद नहीं है, कि जब से मैं ऑफिस जाने जा रही हूँ तो वहाँ पे रोज रोज कुछ ना कुछ पनीर का आइटम रहता है, मेरा मन सा भर गया है, और मैं बाबी कृष्ण में जाती हूँ ना तो सही बताओ आधा किलो मशरूम तो मैं खाई जाती हूँ, वहाँ के जो वेटर भी होते हैं ना बोलते हैं कि यार ये जब भी आती है मशरूम मांग लेती है, मशरूम मांग लेती है, मशरूम टिक्का जो देता है ना सीख में लगा के वो मुझे बहुत पसंद आता है, बाकी मैं पनीर का एक सीख लेती हूँ, बाकी और भी ब्रोकली ब्रोकली वगैरह खाती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मशरूम खाती हूँ, और वहाँ का जो ये क्रिस्पी कॉर्न होता है, बाकी वेज वाले के लिए कोई ऑप्शन होता नहीं है इतना, बस ऐसे एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो बस सबसे मेरा मशरूम फेवरेट हो गया है, मटर मशरूम मैं आऊंगी ना तो मशरूम चुन कर वही खाऊंगी। ये धो लिया मैंने दो तीन पानी से और धो लिया, बस अभी इसे साइड में रखूंगी और जो भी प्रिपरेशन करना है पहले मैं करूंगी और फिर बनाती दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे दो कढ़ाई चढ़ाई है, एक में प्याज का मसाला वगैरह बनाने के लिए और एक में मशरूम फ्राई करूंगी, साथ साथ ही मटर फ्राई करूंगी, और एक पैन काला दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ फ्राई किया था पहले। मैंने पानी निकाल कर फिर से चढ़ाया है, इसमें मैंने सब्जी फ्राई की थी बाबू के लिए, इसे बहुत थोड़ा सा फेंक देंगे, जस्ट मशरूम को सॉटे करना है, और उसमें यहाँ पे देव जी ने प्याज काट दिया है, शुक्रिया, सामने ही है इसलिए मैं आप लोगों को दी कि पति देव जी कह रही हूँ। यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, ये मैंने डाले हरी, इसे जीरा नहीं डाली मुझे पसंद नहीं है, आप लोग अगर तड़के में डालते हैं डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं मशरूम फ्राई करने के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी ताकि इसमें अच्छा सा हल्दी या नमक डालकर कि अच्छे से
मसाला इसके अंदर आ जाए, नहीं तो पानी पानी सा ना लगे। इसमें प्याज डाल दूंगी पहले। जैसे बेसिक सब्जी आप लोग बनाते हैं तो कहते हैं ना, जो थोड़ी सी पसंद की चीज बनती है तो चेहरे पे मुस्कुराहट पहले से ही होती है, जैसे मेरे पे चमक रहा होगा, मैं कितनी खुश हूँ। और एक यहाँ पे मटर भी है, घर में ताजी मटर भी थी लेकिन बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी थी, तो मैंने सोचा कि सफल वाला मटर हमारे यहाँ हमेशा आता है सौजन मटर, तो मैंने सोचा कि कम क्यों बनाया जाए, जितना बचा था उसको मैंने साइड कर दिया। अब मैं सौजन मटर से ही बना रही हूँ ताकि क्वांटिटी अच्छी अच्छी तक खाने को मिले। ये भी इधर हल्दी गर्म ही हो गया, फिर इसमें डाल दूंगी। पहले तो फ्राई करूंगी, जब निकालने तो थोड़ा सा नमक डाल के निकालूंगी, और मैं इसी तरीके से इसको भी चलाऊंगी, ज्यादा बर्तन नहीं करना। ठंड का टाइम आ गया है, हमारी दीदी जो आती है सुबह सुबह फिर मुझे सुनाएंगी कि दीदी बहुत ज्यादा बर्तन हो गया है, इसलिए मैं एक ही से काम चलाऊंगी। तो अभी डाउन होने देंगे, तब तक टमाटर रखा हुआ पतिदेव जी को रेडी कर दिया मैंने कि अब टमाटर भी, जब आपने कटिंग का काम संभाला ही है तो पूरा कर लीजिए, तो वो टमाटर भी काटेंगे अभी। तो प्याज फ्राई हो चुका है, गुलाबी गुलाबी हो चुका है, इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दी। बारी है हल्दी और सारे मसाले डालने की, इसमें एक चम्मच हल्दी डाल दिया मैंने। उससे पहले मैं नमक डाल देती हूँ कि प्याज को भी गलना जरूरी है, हिसाब से 2 चम्मच मैं सब्जी में डाल दी। फिर आगे रोज वाला गरम मसाला मैं थोड़ा सा इसलिए डाल रही हूँ कि अलग वाला भी मसाला मैं लेकर आई, मटर पनीर मसाला, कि जब भी मैं कुछ मटर की अच्छी सब्जी बनाती हूँ तो अलग से वो मसाला जरूर डालती हूँ। ये रही लाल मिर्च, ये रहा मटर पनीर मसाला, मेरा फेवरेट, अच्छा लगता है, इसमें थिकनेस भी आ जाती है। मैंने पूरा डाल दिया है, एक पैकेट लग ही जाता है। ये स्मिथ एंड जोन का मैं शाही पनीर मसाला भी यूज करती हूँ, मटर पनीर मसाला भी यूज करती हूँ, अच्छी बन जाती है सब्जी। जो मैंने इसके पहले मैंने पनीर टिक्का मसाला क्या बनाया था, कढ़ाई पनीर बनाया था, सबको बहुत पसंद आया था, तो मैं इस मसाले की फेवरेट, मतलब ये मसाला मेरा फेवरेट हो गया सब्जी बनाने के लिए। हर सब्जी में नहीं डालती थी, सारी सब्जी फिर एक जैसी लगेगी। अब ये साथ में टमाटर डाल देती हूँ, टमाटर के साथ मसाला धीरे धीरे पकेगा। अब बस ये वही वाला है, मैंने मसाला डाल दिया, फिर माँ की तरह धीमे करके मैं गायब हो जाऊंगी, फिर धीरे धीरे जो आएगा चलाता जाएगा, जो आए इस डगर से ना हो पाएगा, भूल गई मैं नहीं कह सकती कुछ। अब इसके साथ ही मटर डाल दूंगी, और ये जो मैंने फ्राई किया था मुझे नहीं पता था, पहली बार बना रही हूँ, ये पानी छोड़ दिया, तो शायद मशरूम फ्राई नहीं होता है। ठीक है, अभी मसाले को अच्छे से फ्राई करूंगी धीमे धीमे आखिरी, ताकि प्याज टमाटर सब कुछ गल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए बस, और इसे मिक्स कर देना है, धीरे धीरे चलाना है, और जब लास्ट में आपको लगे कि मटर भी पक गया है, मशरूम पे पक ही जाता है, जितना पानी आपको डालना है उतना पानी डालकर 10 मिनट पकाकर एंजॉय कीजिए मटर पनीर, सॉरी मटर मशरूम, माई फेवरेट। मैंने मसाला पका लिया है, थोड़ा थोड़ा तेल से ब्रेड होने लगा है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फ्राई करने की जरूरत है। अब मैं इसमें मटर डालती हूँ, मटर को भी पकने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये कढ़ाई बना रही हूँ। मैंने इस मटर को धो लिया है, अभी भी बर्फ ही है, डायरेक्ट नहीं निकाला है, मैंने 2 पानी से धोया, फिर भी ये बर्फ छूट ही नहीं रहा। फिर मैं अपने हिसाब से इसको धीमे धीमे पकाती रहूंगी। जा सकते हैं आपको जो भी बाजार से सामान लाना है उसके बीच में आप ले आइए। देखती हूँ कैसा बना है मटर मशरूम, ऐसे चलाते भी देखती हूँ, इतना बढ़िया टेक्सचर लग रहा है, खाने में तो आज मजा ही आने वाला है। ठीक है, आप तो भी बनाइए और खाइए, पता है मुझे आप तो भी बनाते होगे, आपके यहाँ बनता होगा। आपसे रहा मेरा मटर मशरूम, मैं तो जा रही हूँ खाने। सगुन तो आज मटर मशरूम का सब्जी बनाई है, मैं तो किचन से फ्री रहती हूँ भाई, इसीलिए मैं क्या की मैं ये बना रही हूँ बाबू का फ्रॉक, उन मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है तो मैं फ्रॉक ही बना रही थी, काफी दिनों से बना रही हूँ मैं। ये है, इतना ढीला देख रहे हैं ना, तो यहाँ से ये बेल्ट लग जाएगा, काफी फ्रील वाला है, यहाँ से डोरी लगा देंगे, और ये बाजू बना रही हूँ मैं, खरीदने से अच्छा है कि बना दे, क्योंकि रेडीमेड तो होता है अच्छा, लेकिन हाथ का बुना हुआ का बात ही अलग होता है। तो ये क्रोशिया से बना रही हूँ मैं, ये बाजू बना रही हूँ, अभी एक बाजू ये बन रहा है, और ये डिजाइन इसका देखिए कि डिजाइन ये है, ये डिजाइन है ऐसे, तो देखिए डिजाइन बहुत सुंदर डिजाइन है, ये अलग से ही डिजाइन लगेगा, ऊपर रेड और नीचे ये ऐसे फ्रील में थोड़ा सा रेड रहेगा। अभी एक बाजू बना है, एक बाजू मैं रात तक में बना दूंगी, कल शाम में जाएंगे घूमने ना, तो शाम तक बन जाएगा, तो इसीलिए ये बना रही हूँ आप लोग को, इसी तरह का सब वीडियो दिखाऊंगी मैं, अभी फिर एक और बनाऊंगी स्वेटर, और सब अलग अलग बनाऊंगी, जैसे जैसे बनाऊंगी वैसे वैसे दिखाऊंगी मैं। तो दोनों बाप बेटा का खाना निकाल रही हूँ मैं तो नहीं, रात में मैं बहुत कम ही खाती हूँ, हालांकि आज बहुत अच्छा सब्जी बना हुआ है, लेकिन नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि कल बहुत तबीयत खराब हो गई थी पावा जी खाने से, क्योंकि रात में मैं खाना बहुत कम करती हूँ, शाम में 6-7 बजे खा लेती हूँ तो फिर नहीं खाती हूँ खाना, तो इसीलिए आज भी नहीं खाऊंगी मैं, कल खाऊंगी।
और इन लोग का खाना निकाल रहे हैं। इसी के साथ आज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल रिटायर्ड खबर बाय 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 बाय। फिर से काम करते हुए जाते हुए एक मनुष्य।